दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक दूसरे के आमने सामने हैं धोनी और पांड्या। गुरु और चेले में होने वाला है सबसे बड़ा घमासान। खिताब बचाने के इरादे से उतर रही गुजरात ने बना लिया है मास्टर प्लान। कप्तान हार्दिक ने चेन्नई को धूल चटाने के लिए दिया है ऐसे खूंखार खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका। नाम सुनकर चेन्नई के फैंस को लगेगा करारा झटका। तो आखिर आईपीएल के ओपनिंग मैच के लिए क्या रहने वाली है गुजरात की प्लेइंग 11? क्या कुछ बताया है हार्दिक पांड्या ने? कौन से हैं वो खिलाड़ी जो चेन्नई के खिलाफ बनेंगे हार्दिक के तुरुप के इक्के? पूरी प्लेइंग 11 हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक, धोनी और रोहित में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, पहले सीजन की चैंपियन एक नया कप्तान जिसने पहले ही साल टीम को अर्श पर पहुंचा दिया, एक बार फिर आईपीएल के मंच पर धमाका करने को तैयार है। बड़े नामों की बजाय बड़े काम वाले खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर देकर गुजरात टाइटंस ने अपने पहले सत्र में ही खिताब पर कब्जा जमाया था और अब उसी टाइटल को डिफेंड करने के लिए हार्दिक पांड्या की पलटन जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। टाइटंस ने इस साल ऑक्शन में न्यूजीलैंड के स्टार कप्तान केन विलियमसन को टीम में शामिल करके अपने नंबर 3 की कमजोरी को सुलझाने की कोशिश की है, जबकि भारतीय तेज गेंदबाज शिवम मावी और आयरलैंड के स्पीडस्टर जोशुआ लिटिल जैसे युवा नामों पर इन्वेस्ट करने के बाद एक सॉलिड टीम तैयार कर ली है। पर चोटों से जूझते एक सटीक प्लेइंग 11 तैयार करना कप्तान का सबसे बड़ा सिरदर्द है। आईपीएल 2023 के शुरुआत में कुछ चंद दिन ही बाकी रह गए हैं। 31 मार्च से भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार का आगाज होना है। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तमाम सुपरस्टार्स एक साथ एक ही टीम में खेलते हैं और क्रिकेट फैंस के लिए भी अगले 2 महीने रोमांच से भरपूर होता है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आईपीएल के घमासान को देख फैंस की सांसें भी थम जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 महीनों तक 74 मुकाबलों की लंबी कहानी से आईपीएल 2023 की दास्तां लिखी जाएगी और इस सीजन गुजरात टाइटंस के ऊपर भी सभी की नजरें होंगी। टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर टूर्नामेंट में उतरेगा। सीजन के पहले ही मुकाबले में गुजरात का सामना 4 बार की आईपीएल चैंपियन और सबसे पॉपुलर टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ होगा। पिछले साल गुजरात लगातार जीत के रथ पर सवार थी और कई मुकाबले तो उन्होंने आखिरी ओवर में इतने रोमांचक अंदाज में जीते कि किसी को भरोसा भी नहीं हो पाया। फिर चाहे वो राहुल तेवतिया का आखिरी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर मैच जिताना हो या फिर राशिद खान का सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आखिरी ओवर में 22 रन बटोरना हो या फिर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 5 विकेट गंवाने के बावजूद डेविड मिलर की शानदार पारी से हारे हुए मुकाबले को जीत में बदलना हो, गुजरात टाइटंस ने पिछले साल कई करिश्मे किए, लेकिन असल चुनौती टीम के पास इस साल रहने वाली है, जहां अब हर कोई गुजरात की ताकत और कमजोरी से भली भांति वाकिफ हो चुका है और उस कमजोरी पर वार करने को तैयार बैठा होगा। लेकिन हार्दिक पांड्या भी सभी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। बहुत कम समय में एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हार्दिक पांड्या ने सिंगल हैंडेड गुजरात को पहली बार में ही दुनिया की सबसे बड़ी लीग का चैंपियन बना दिया, जिसके लिए बाकी टीमें लगातार पहले सीजन से खेलने के बावजूद उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। वो सपना हार्दिक ने पहली बार में ही पूरा कर लिया और ऐसे में कुंगफू पांड्या इतनी आसानी से विरोधी टीमों को हावी नहीं होने देंगे और एक बार फिर अपने खिताब को बचाने के लिए हार्दिक तैयार हैं। उन्होंने चेन्नई को धूल चटाकर अपने सीजन की शानदार शुरुआत करने के लिए बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 भी तैयार कर ली है। जी हां, आपको बता दें, हार्दिक पांड्या की अगुवाई में गुजरात टाइटंस एक बार फिर अपनी मजबूत गेंदबाजी से विपक्षी टीमों पर दबाव डालने की प्लानिंग के साथ मैदान में उतरेगी। गुजरात के लिए शुभमन गिल और रिद्धिमान साहा की जोड़ी ओपन करते हुए नजर आ सकती है। हालांकि टीम के पास इस बार KS भरत का भी एक ऑप्शन मौजूद रहेगा, जबकि इस बार गुजरात के लिए नंबर 3 की समस्या बहुत हद तक तो सॉल्व हो सकती है, जहां पर न्यूजीलैंड के स्टार कप्तान केन विलियमसन गुजरात के लिए नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते नजर आएंगे, जो टीम को बिखरने से बचाने के साथ साथ पारी को बिल्ड करने का काम करेंगे। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या और ऑलराउंडर विजय शंकर को नंबर 5 पर शामिल किया जा सकता है। हालांकि पहले मुकाबले में टाइटंस को डेविड मिलर की सेवाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो इस दौरान साउथ
साउथ अफ्रीका के साथ नेशनल ड्यूटी पर होंगे, जिस कारण मैथ्यू बेट पर फिनिशिंग की जिम्मेदारी रहेगी, जिनका साथ निभाने के लिए राहुल तेवतिया एक बार फिर अपने बल्ले से तूफान लाने के लिए तैयार हैं, जबकि राशिद खान अपनी लेग स्पिन के साथ बल्लेबाजी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। राशिद की फिरकी का जादू फिलहाल सबसे बड़ा हथियार है। स्पिन डिपार्टमेंट में केवल दो ऑप्शन के बावजूद हार्दिक उन्हें बखूबी से इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो इस गेंदबाजी में मोहम्मद शमी का साथ निभाने के लिए इस बार टीम में शिवम मावी और आयरलैंड की नई सनसनी जोशवा लिटिल भी मौजूद होंगे। वहीं वेस्टइंडीज की आंधी कहलाने वाले अल्जारी जोसेफ की रफ्तार का भी हार्दिक पांड्या बखूबी फायदा उठाना चाहेंगे, हालांकि उन्हें अपनी बारी के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। जी हां, हार्दिक पांड्या के लिए ये प्लेइंग 11 बेहद खतरनाक और मजबूत लग रही है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, पहले मुकाबले में धोनी और पांड्या में से कौन अपनी टीम को चैंपियन बना पाएगा? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।